आरसीबी ने गुजरात को एक बार फिर से हरा दिया है और ये मुकाबला ऐसा रहा है जहाँ पे एक टाइम पे लगा था कि आरसीबी डोमिनेट करके जीतेगी, वहाँ पे गुजरात ने वापसी की और उसके बाद आरसीबी ने फिर से वापसी की। तो ये इस मुकाबले के शुरुआत से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया, उसके बाद यहाँ पे गुजरात टाइटन्स को 147 से रोक लिया। 147 से रोकने के बाद उसके बाद में बैट्समैन की बारी थी, जो 5-2 और विराट कोहली ने जिस तरीके पार्टनरशिप लगाई, शुरू के 6 ओवर में 92 रन बना दिए। उसके बाद जो लगातार विकेट गिरते रहे, मैक्सवेल हो गए, रजत पाटीदार हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, विराट कोहली हो गए, सबके सब बहुत ही तेज मारने का शॉट प्रयास कर रहे थे और आउट होते चले गए और ये सब हो रहा था रन रेट बढ़ाने के चक्कर में। लेकिन उसके बाद में दिनेश कार्तिक और स्वप्निल सिंह ने यहाँ पे जिस तरीके से बल्लेबाजी की, सेंसिबल बैटिंग की, उसके बाद में यहाँ कोई भी नुकसान नहीं होने दिया और 4 से आरसीबी जीत गई इस मुकाबले को। और देखिए लगातार 3 मुकाबले जीत गई आरसीबी, यानी अब जो सारी टीमें हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे मैं समझो सावधान हो जाएं, क्योंकि आरसीबी फॉर्म में आ चुकी है। हालांकि इस मुकाबले में देखा जाए तो आरसीबी अच्छी बैटिंग कर रही थी, लेकिन एक साथ अंतराल पे बैठ गए, यहाँ पे कोलैप्स हो गया, एक साथ 92-0 से 117-6 हो गई यहाँ पे। उसके बाद में ऐसा लग गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो है रिकॉर्ड बन जाए कि 148 भी यहाँ डिफेंड हो गए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है गुजरात अगर इस मुकाबले को जीत जाती, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जहाँ पे गुजरात इस मुकाबले में कहीं भी नहीं थी। तो इतना मैं आज का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक देखते हुए नमस्कार।